अपने चाचा से 30 वर्ष का छोटा है। राम के अंकल का एज और राम के एज का जो डिफरेंस है वो है 30 इयर्स का। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा की 1/4 थी। 5 ईयर एगो उनके अंकल्स का एज और राम के एज का रेशियो हो जाएगा 1:4। अब आपको वह निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस 30 ईयर आपको बता रहा है, मतलब अगर नाउ प्रेजेंट में दोनों का डिफरेंस 30 इयर्स है, मीन्स 5 ईयर एगो भी दोनों का डिफरेंस 30 इयर्स ही होगा और 5 ईयर आफ्टर भी दोनों का डिफरेंस 30 इयर्स ही होगा। तो रेशियो में दोनों का डिफरेंस हमको मिल रहा है 3 और एक्चुअली वैल्यू में डिफरेंस है 30 इयर्स। रेशियो 3 का वैल्यू 30, तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 30/3, दैट इज 10 इयर्स। रेशियो 1 आपका शो कर रहा है राम का एज, तो रेशियो 1 आ गया 10 इयर्स एंड रेशियो 4 हो गया 40 इयर्स। आपको अंकल्स का एज निकालना है, वो भी 5 वर्ष बाद, मीन्स 5 ईयर आफ्टर। अंकल का एज निकल चुका है 40 इयर्स, जो कि है 5 ईयर एगो। तो 5 इयर्स आफ्टर अंकल्स का एज हो जाएगा 40 इयर्स प्लस 5 और प्लस 5, 5 प्लस प्रेजेंट तक और प्लस 5 आफ्टर 5, दैट इज 50 इयर्स। ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए रेशियो बी जो एज का है वो है 2:3। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो, तो 10 ईयर आफ्टर जब देखा जाता है तो उनके आयु का जो एज रेशियो होता है वो 3:4 हो गया। मीन्स प्रेजेंट से लेकर 10 ईयर आफ्टर तक आने में रेशियो के डिफरेंस हम ए का देख रहे हैं तो 1 है और बी का भी देख रहे हैं 1 है, और इन लोग का आने में यही रेशियो के लिए 10 ईयर लगा। मीन्स रेशियो 1 का ही वैल्यू है 10 ईयर, तो रेशियो 3 का वैल्यू हो जाएगा 30 ईयर्स एंड रेशियो 2 का वैल्यू हो जाएगा 20 इयर्स। आपसे पूछ रहा हूँ उनके वर्तमान आयु क्या है, ये प्रेजेंट एज ही शो कर रहा था, मीन्स 20 इयर्स और 30 इयर्स। 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्र के से 4 गुनी बड़ी थी। चारू का एज और मदर्स का एज का रेशियो आपको बताया है 10 इयर्स एगो, तो 10 इयर्स एगो 4 गुनी थी, मीन्स 1:4। फिर आपको बोला 10 वर्ष के पश्चात माँ अपनी पुत्री से दुगनी बड़ी हो जाएगी, मीन्स 10 ईयर आफ्टर जब जाएंगे तब उनका रेशियो हो जाएगा दुगनी, मीन्स 1:2। आप देखिए 10 ईयर एगो से लेकर 10 ईयर आफ्टर तक आने में हमको 20 इयर्स लगेगा, बट रेशियो में हम लोग का डिफरेंस सेम नहीं है, जिसके लिए डिफरेंस को सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज होके 3:6 हो जाता है और हमारा डिफरेंस भी सेम होगा, 3-1 2 एंड 6-4 इज दैट इज ऑल्सो 2। मीन्स रेशियो 2 शो कर रहा है 20 इयर्स, तो रेशियो 1 इज इक्वल टू 20/2, 10 इयर्स। अब आपको बताया रेशियो 1 चारू का एज शो कर रहा है जो 10 और रेशियो 4 40। आपसे पूछ रहा है चारू की वर्तमान आयु क्या है। चारू का एज 10 इयर्स निकला है, बट 10 ईयर एगो प्रेजेंट के लिए निकालने के लिए आपको 10 ईयर में 10 ईयर और आगे बढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा आपका चारू का प्रेजेंट एज 20 इयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। की औसत आयु 20 वर्ष है, एवरेज जो है वो 3 गर्ल्स का 20 इयर्स है, मीन्स नंबर इज इक्वल टू 3, लड़कियों की संख्या 3 एंड एवरेज इज 20 इयर्स, मीन्स टोटल सम मीन्स तीनों लड़की को मिलाकर जो एज होगा वो 20 × 3 दैट इज 60 इयर्स हो जाएगा। और इसी तीनों लड़की का रेशियो दिया है आपको 3:5:7, तो हम लोग अगर रेशियो में तीनों को ऐड करते हैं तो 5, 7 + 5 + 3 दैट इज 15। रेशियो में एज तीनों का मिलाकर 15 है और एक्चुअली एज तीनों को मिलाकर 60 इयर्स है, मीन्स रेशियो 1 इज इक्वल टू 60/15, दैट इज 4 इयर्स। अब आपका रेशियो 1 आ गया, आपको बताना है सबसे छोटी लड़की
की आयु, सबसे छोटा रेशियो बता रहा है 3, मीन्स आपको रेशियो 3 का वैल्यू बताना है. रेशियो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट इज 12 ईयर्स. सबसे छोटी लड़की का एज है 12 ईयर्स. इन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एवरेज में तीनों का एज है 20 इयर्स, तो टोटल सम तीनों का एज मिलाकर हो जाएगा 20 इंटू 3 गर्ल्स है मीन्स 3, 60 इयर्स. तीनों का एज का रेशियो है 3:5:7. एक्चुअली तीनों का ऐड करके रेशियो में देखते हैं 3 + 5 + 7 दैट इज 15 इयर्स, और एक्चुअली एज है 60 इयर्स. रेशियो 15 के बराबर 60 इयर्स, तो रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा. 60 / 15 दैट इज 4 इयर्स. आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी लड़के की आयु मीन्स रेशियो 3 का वैल्यू, तो रेशियो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 4 दैट इज 12 इयर्स. ऑप्शन नंबर डी. वर्तमान आयु में से अगर 6 वर्ष घटा दिया जाए तो शेष को 18 से भाग दे तो उसके पौत्र राहुल की वर्तमान आयु मिल जाती है. यहाँ गौतम की आयु और राहुल के आयु के लिए एक इक्वेशन बनाया गया है. ठीक उसी के साथ अगर जितेंद्र से वह 2 वर्ष का छोटा है, राहुल का एज जितेंद्र से भी रिलेट करके बताया है कि वो जितेंद्र का जितने भी एज हो रहा है उससे 2 वर्ष छोटा है. जितेंद्र का अभी 5 वर्ष हो रहा है. अगर जितेंद्र की आयु 5 इयर्स हो रही है मीन्स राहुल का एज उससे 2 वर्ष छोटा है मीन्स 3 इयर्स हो जाएगा. अब राहुल का एज हमको पता चल गया और इसके साथ रिलेशन है गौतम के एज का. तो गौतम का एज अगर हम लोग लेट मान लेते हैं कि गौतम का एज एक्स ईयर्स हो रहा है, तो इक्वेशन आपको बताया था कि अगर गौतम के एज में से 6 वर्ष घटा देते हैं और इस इक्वेशन को अगर 18 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आपका राहुल का एज बताता है जो आपको बताया है 3 इयर्स. और इससे हमको पता चलेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 18 × 3, 18 × 3 दैट इज x इज इक्वल टू 18 × 3 54, और माइनस 6 इधर आके प्लस हो गया मतलब प्लस 6, x इज इक्वल टू 60 इयर्स. मींस x जिसको आप गौतम का एज माने थे, गौतम का एज निकल गया 16 इयर्स. इसका ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दिस, आपके ऑप्शन में नहीं है. किरण की उम्र की दुगनी है. सुरेश और किरण के एज का रेशियो दिया है. सुरेश का उम्र किरण की उम्र की दुगनी है मींस अगर किरण का 1 तो सुरेश का 2, रेशियो हो गया 2:1. यदि दोनों के उम्रों का योग सुरेश और किरण दोनों के एज को अगर प्लस करते हैं तो 24 इयर्स आता है. रेशियो में अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 3, और एक्चुअली एज में है ये 24 इयर्स. मींस रेशियो 3 का वैल्यू 24 इयर्स, तो रेशियो 1 का वैल्यू 24 / 3 दैट इज 8 इयर्स. अब आपके पास रेशियो 1 का वैल्यू आ गया. आपसे पूछा है तो सुरेश की उम्र बताइए. सुरेश का एज रेशियो 2 शो कर रहा है. रेशियो 1 का वैल्यू 10 इयर्स मींस रेशियो 2 का वैल्यू 16 इयर्स. के पिता की उम्र सोनू के उम्र की 5 गुनी है. सोनू और फादर्स के एज का जो रेशियो है वो है 1:5. 8 वर्ष के बाद उनके पिता की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी. 8 ईयर आफ्टर जब हम लोग 8 साल के बाद जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दोनों का रेशियो पता चलता है कि 1:3 है. मींस एज में हम लोग को 8 ईयर आगे बढ़ना पड़ा, बट रेशियो यहाँ पर फिर से ये इक्वल नहीं है. तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज होके बन जाता है 2:6. और अब आप देखिएगा कि दोनों का डिफरेंस भी सेम हो गया. रेशियो 1 का डिफरेंस एंड एज में एक्चुअली 8 का डिफरेंस. रेशियो 1 शो कर रहा है 8 इयर्स, मीन सोनू का एज 8 इयर्स है एंड हिज फादर्स एज इज 40 इयर्स. तो दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है 8 इयर्स एंड 40 इयर्स. दैट इज ऑप्शन.